वैसे तो कई साल पहले इस गांव का नाम मोती गांव हुआ करता था, क्योंकि तब ये गांव मोतियों की तरह चमकदार हुआ करता था। हर जगह हरियाली थी, घने घने जंगल हुआ करते थे, सभी लोग बहुत खुश रहा करते थे। पर एक दिन अचानक से इस गांव में एक विदेशी रहने के लिए आया और इस गांव को उसकी नजर लग गई। Oh my God, ये गांव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ जी सर, गांव तो बहुत सुंदर है, इसीलिए तो इसका नाम मोती गांव है। पर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे, मैं पहली बार जो गांव में आया हूँ। दरअसल मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, दूर शहर से आया हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ घूमने आए हैं? सच कहूँ तो हाँ, पहले मैं यहाँ घूमने के लिए ही आया था, पर अब। इतना कहकर वो आदमी चुप हो जाता है और मन्नू बड़ी ही जिज्ञासा से उससे पूछता है, पर अब क्या हो गया? क्या यहाँ की सुंदरता ने आपका मन मोह लिया है और अब आप यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते? हाँ, मेरा मन यहाँ से वापस जाने के लिए तो नहीं कर रहा, पर मेरे यहाँ रहने का कारण कुछ और ही है। क्या कारण है आपका यहाँ रुकने का, मुझे भी बताइए। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, पर पहले समय तो आने दो, तब तक मैंने जो सोचा है उस प्लान पर थोड़ा काम तो कर लूं। अच्छा, आप बाहर से आए हैं और नई सोच के आदमी मालूम होते हैं। आपने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, जब आपको ठीक लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, पर तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं जरूर करूंगा, आपको जो भी मदद चाहिए होगी मैं करूंगा। ठीक है, फिर जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। अब बर्दाप वहां से जाने लगता है, पर मनु की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। मनु भी वहां से चला जाता है। मैं जैसा सोच रहा हूं, अगर मैं वैसा करने में कामयाब हो गया तो इतने पैसे कमा सकता हूं कि जितना मैं शहर में रहकर भी नहीं कमा सकता। बस ये गांव वाले जल्दी से मेरी बात मान जाएं, और अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बर्दाप आजकल अपने काम को लेकर इतना ज्यादा गहनशील हो गया था कि वो ना तो रात को ठीक से सो पाता था और ना ही खाना पीना समय पर खाता था। हर समय वो अपने आप में खोया रहता था और अपनी नोटबुक में कुछ डिजाइन बनाया करता था। अब बहुत हो गई थियरी, अब प्रैक्टिकल का टाइम है। अब गांव वालों से मिलना ही पड़ेगा और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताना होगा। बर्दाप मन्नू के घर जाता है। मन्नू, ओ मन्नू, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मन्नू घर पर नहीं है, अभी अभी गांव की पंचायत की बैठक से उसको बुलावा आया था, वही गया है। पर तुम कौन हो? जी मैं उसका दोस्त हूँ, शहर से आया हूँ, मुझे उससे मिलना था। पर कोई बात नहीं, मैं पंचायत वाली जगह पर जाकर उससे मिल लूंगा। यहाँ से बर्दाप सीधे गांव के मैदान की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर मोती गांव की पंचायत बैठी हुई थी। वहाँ पर पहुँचकर बर्दाप देखता है कि मन्नू भी पंचायत में लोगों की समस्याओं को हल कर रहा है और सभी लोग उसकी बात को ध्यान से सुन भी रहे हैं। ये मन्नू तो बड़े काम की चीज है, लगता है गांव वाले से बहुत मानते हैं। बर्दाप पंचायत के खत्म होने का इंतजार करता है और कुछ देर में पंचायत खत्म हो जाती है और मन्नू जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ता है तो उसकी नजर बर्दाप पर पड़ती है और वो उसके पास आता है। अरे आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था तो माँ जी से पता चला कि तुम यहाँ आए हो, तो मैं भी यहीं चला आया। बताइए क्या बात है? जो बात मैं आज तुमसे और गांव वालों से करने वाला हूँ, उसके लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। इससे पहले कि बाकी लोग अपने अपने घर चले जाएं, तुम सबको पंचायत में फिर से जमा कर लो, फिर मैं सबको एक साथ बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बर्दाप के कहने पर मन्नू सभी गांव वालों को फिर से इकट्ठा कर लेता है और बर्दाप सभी लोगों से बात करना शुरू करता है। मैं शहर से आया हूँ और इस गांव को विकसित करना चाहता हूँ। वैसे तो आपके गांव में कोई बुराई नहीं है, पर विकास का होना बहुत जरूरी है।
बर्ताप सभी गांव के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता है और उसकी बात को मनु भी सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है और मनु के कहने पर सभी गांव वाले ना चाहते हुए भी बर्ताप की बातों पर हामी भर देते हैं। देखो, वैसे तो विकास होने से गांव का भला ही होगा, पर हम सबको इस बात का डर है कि इससे कहीं गांव पूरा का पूरा शहर ही ना बन जाए। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब बर्ताप मनु की मदद से गांव के विकास की प्रक्रिया को शुरू कर देता है और देखते ही देखते सारा गांव बदलने लगता है। चारों तरफ नई नई मशीनें लगाई जाती हैं, जंगलों का कटना शुरू होता है। मनु, तुम्हारे कहने पर हम सबने विकास के लिए हाँ तो कह दिया, पर तुम भी देख रहे हो कि पेड़ों को किस तरह से काटा जा रहा है, और यही हाल रहा तो जल्दी ही हमारा जंगल सीमेंट से भर जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ कम काटे जाएं, पर पेड़ काटना भी तो जरूरी है, उसके बिना कैसे काम चलेगा। बर्ताप को तो सिर्फ अपने फायदे से मतलब था, गांव के वातावरण पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा था उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और देखते ही देखते गांव के सारे जंगल खत्म हो गए और पूरा गांव सीमेंट का बन गया, जिससे शुद्ध हवा की कमी होने से गांव वालों को कई तरह की बीमारियां होने लगी। मन्नो, तुम्हारी बातों में आकर हम सब ने अपने गांव का विनाश कर लिया। आज सभी लोगों की हालत बहुत खराब है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुखिया गांव की समस्या को लेकर एक तांत्रिक महिला के पास जाता है और वो तांत्रिक मुखिया को इस समस्या का समाधान देती है। तुम लोगों ने पहले खुद कुल्हाड़ी बनाई और उस पर धार लगाकर खुद ही उस पर पैर मार दिया, अब तो तुम्हें भगवान भी इस मुश्किल से नहीं बचा सकते। हाँ, हम लोगों को अपनी गलती का एहसास है, पर अब हम उसको सुधारना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें कोई उपाय बताइए, हम सभी गांव वाले आजीवन आपके एहसानमंद रहेंगे। गलती नहीं, गुनाह किया है तुम लोगों ने, पर मैं तुम सभी की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि एक बार बहुत प्यासी होने पर तुम्हारे गांव में ही किसी ने मुझे वहां के कुएं का पानी पिलाया था और तभी से मैं उस गांव की कर्जदार हूँ। वो तांत्रिक महिला मुखिया को एक ताबीज में मिट्टी बांध कर देती है। ये ताबीज मुझे मेरे गुरु ने दिया था, इसमें मैंने देवी माँ के चरणों की मिट्टी को मंत्रों का जाप करके बांध दिया है, तुम इस ताबीज को अपने गांव के जंगल में बो देना। मैं कुछ समझा नहीं, इसमें तो आपने मिट्टी भरी है ना? आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं इसे बोऊंगा तो इससे मिट्टी के पेड़ उगेंगे और उससे मिट्टी पैदा होगी? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुमको ये मिट्टी भरा ताबीज दिया है। पर हम मिट्टी उगा कर क्या करेंगे, हमें तो अपने गांव को फिर से हरा भरा करना है, मिट्टी उगाकर काला नहीं करना। अच्छा, तो तुम सीधा पकवान खाना चाहते हो और मेहनत नहीं करना चाहते। भूल गए कि तुम्हारे गांव की क्या हालत हो गई है? गांव के जंगलों में मिट्टी का एक कण भी ठीक से नहीं बचा हुआ है, इसीलिए पहले तुम्हें अपने जंगलों को मिट्टी से भरना होगा। और एक बार हमारे जंगलों में पर्याप्त मिट्टी हो जाएगी तो हम लोग फिर से उस मिट्टी में पेड़ पौधे बो सकते हैं। हाँ, वैसे तुम इतने बड़े मूर्ख नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझ बैठी थी, पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक जंगल की धरती में खूब मिट्टी जमा ना हो जाए पेड़ पौधे मत उगाना, नहीं तो वो जल्दी ही सूख जाएंगे। मैं समझ गया, वैसे भी हमने अपने जंगलों की मिट्टी को सीमेंट से बदलकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम और कोई गलती नहीं दोहराएंगे। और वहाँ से देवी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है और गांव पहुँचकर वो वहाँ के जंगल में मिट्टी भरा वो ताबीज गाड़ देता है। अब ये आप क्या कर रहे हैं मुखिया जी? अपनी और तुम सबकी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जादुई मिट्टी से भरा हुआ ताबीज बोकर। और जैसे ही मुखिया उसमें पानी डालता जाता है वहाँ से मिट्टी का पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। आप ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी के पेड़ बो रहे हैं? हमें तो फल और सब्जियाँ बोनी चाहिए,
बिना मिट्टी के फल सब्जियां क्या इस सीमेंट में बोओगे? पहले हम मिट्टी बोएंगे और उसके बाद फल सब्जियां, समझे? जी हाँ, समझ गया। अब चुपचाप कुएं से पानी लाकर इसमें डालो और मुंह कम चलाओ। तुम्हारी ही वजह से गांव की ये हालत हुई है। अगर तुम उस दिन उस परदेसी का समर्थन नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। करोगे भी तब ना, जब हम करने देंगे। तुम लोग थोड़ी पढ़ाई लिखाई क्या कर लेते हो, खुद को ही भगवान समझ लेते हो और भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करने लगते हो। मुखिया जी का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर मन्नू चुपचाप वहाँ से चला जाता है और गांव के कुएं से पानी भरकर इस जादुई मिट्टी के पेड़ में डालने लगता है। जैसे जैसे उस पेड़ में पानी गिरता जाता है, वैसे वैसे वो पेड़ बड़ा होता जाता है। गलती हम सब से हुई है, इसीलिए हम सब इसे मिलकर झेलेंगे। वो मिट्टी का पेड़ बढ़ता जाता है और उससे मिट्टी के फल और बीज बनते हैं, साथ ही उस पर पत्ते भी मिट्टी के ही लगते हैं। भला हो उस तांत्रिक का जिसने हमारे गांव को बचाने में मदद की है, नहीं तो हम लोगों को ये गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ता। अब गांव के जंगल में पर्याप्त मिट्टी जमा हो जाती है। अब हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि बरसात भी शुरू होने वाली है। सभी लोग अब उस जादुई मिट्टी के जंगल में फलों और सब्जियों के बीज बोते हैं और देखते ही देखते सभी बीज उगकर पेड़ पौधों में बदल जाते हैं। हमको तो फल और सब्जियों के साथ साथ घास और बाकी छायादार पेड़ भी उगाने चाहिए, क्योंकि बहुत समय से हमारे जानवरों ने हरा चारा भी नहीं खाया है। वो बेचारे बहुत दुबले पतले हो गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें अपने साथ साथ अपने जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी हमारी गलतियों की सजा वो बेचारे बेजुबान जानवर क्यों भुगते। इस जादुई मिट्टी के जंगल में हरी घास वाले पौधे भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि वही चहक फिर से होने लगती है जो कि आज से कुछ साल पहले तक इस जंगल में हुआ करती थी। और अब सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं और जंगल में लगाए हुए पेड़ों से फिर से गांव हरा भरा हो जाता है। साथ ही उस जादुई मिट्टी के पेड़ से अब लोग मिट्टी लेकर अपने अपने बगीचों में डालते हैं, ताकि उनके बगीचों में भी खूब सब्जियां उगे। अब मुझे एहसास हो गया है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना, ऐसा करना हमारे खुद के लिए ही नुकसानदायक है। हाँ, और यही बात हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है और उस पढ़ाई का प्रयोग प्रकृति के विकास के लिए करना चाहिए, ना कि उसके विनाश के लिए। मोती गांव फिर से एक मोती की तरह चमकने लगता है और सभी लोग सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ये कहानी उस समय की है जब सतना गांव में एक महान पंडित रहा करते थे, जिनका नाम था बद्री नारायण। गांव के सबसे बड़े जानकार और समझदार इंसान वही थे। वैसे तो दिन भर वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते रहते और सांझ होते ही अपने घर चले जाते। वो तपस्या में इतने लीन होते कि उन्हें कुछ आगे पीछे का दिखाई भी नहीं देता। लोगों का मानना था कि वो एक मायावी पंडित हैं। गांव पिछड़ा और पुराने ख्यालातों का होने की वजह से गांव में बिजली भी नहीं थी। लोग हमेशा छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते। वो देखो, बद्री नारायण पंडित जा रहे हैं। सुना है इनके गांव में अब बिजली नहीं है। बिजली की कटौती और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि गांव में अनाज भी नहीं है। तो इनका गुजारा कैसे होता है, उसके पीछे क्या वजह है, और लोग फिर भी उस गांव की एकता को तोड़ क्यों नहीं पाते? अरे, अंग्रेज नहीं तोड़ पाए तो हम किस खेत की मूली हैं? बद्री नारायण उनकी बातों को अनदेखा करके बिजली विभाग के कर्मचारियों के पास पहुँचे। मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है कि हमारे गांव में बिजली की समस्या का समाधान करिए। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्गों को रात को दिखाई नहीं देता, और आप है कि हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं।
हमने आपके गांव की अर्जी हमारे सारे बड़े कर्मचारी और बड़े साहब को भेज दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये हम कई सदियों से सुनते आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, हम अपना प्रबंध खुद कर लेंगे। इतना कहकर बद्री नारायण पंडित वहाँ से चले गए। बड़े साहब, आपको पता है ये पंडित बहुत बड़ा मायावी पंडित है, जो कह देता है वो बातें हो जाती हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इनके बारे में मैंने भी बड़ी कहानियाँ सुनी है, और सारी की सारी सच। बद्री नारायण अपने गांव में जाकर सारी समस्या उनसे बताता है। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले निराश हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिजली की तकलीफ की वजह से गांव को बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैंने सोच लिया है कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, जो कुछ करना है वो हमें ही करना है, और ये सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा। मुझसे गांव का दुख अब और नहीं देखा जाता। सारे गांव वाले अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन उस रात बद्री नारायण पंडित को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और वो अपनी तपस्या वाली जगह पर जाकर वहाँ बैठ गए। हे वृक्ष देवता, मैंने और मेरे गांव वालों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है। मैं आपकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, हर जगह आपके गुणगान गाता हूँ, फिर भी इतने दुख दे रहे हो, ये तो सरासर अन्याय है। बद्री नारायण पंडित अपनी व्यथा उस बरगद के पेड़ के पास रख कर रो ही रहे थे कि वहाँ पर वृक्ष देवता प्रकट हो गए। वृक्ष देवता को देखकर पंडित बद्री नारायण बहुत खुश हुए। प्रभु, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, मैं धन्य हो गया। उठो राजन, ये सब तुम्हारे किए हुए अच्छे गुणों और स्वभाव का नतीजा है। तुम्हारी घोर तपस्या और निरंतर प्यार की वजह से मुझे आना ही पड़ा। अब आप आ ही गए हैं तो हमारे दुख मिटा दीजिए, हमारा गांव बिजली की समस्या की वजह से बहुत परेशान है। अब मैं आ गया हूँ ना, तो तुम उसकी चिंता मत करो। इस बरगद के पेड़ को मैं बिजली का पेड़ बना दूंगा, जिससे तुम्हारे और नगर वासियों की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही वृक्ष देवता ने ये बात कही, पूरे पेड़ पर बिजली आ गई, और देखते ही देखते पूरे गांव में उजाला हो गया। सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और वृक्ष देवता को प्रणाम करते हैं। हम धन्य हो गए कि आप हमारे गांव को अंधकार से बचाने के लिए आ गए। बस याद रहे, मेरे इस वरदान का कोई गलत उपयोग ना करे, वरना उसे पाप लगेगा। जब भी कोई मानव इस बिजली के पेड़ का गलत उपयोग करेगा, उसे तुरंत ही सजा भुगतनी पड़ेगी। सारे गांव वाले बिजली के पेड़ और बद्री नारायण पंडित के इस उपकार को देखकर बहुत खुश हो गए। लेकिन वरुण इस बात से बेहद दुखी और संकोच में पड़ जाता है। वैसे पंडित जी ने बड़ा उपकार किया गांव वालों पर, वरना अंधेरे का साया हमारे गांव से जा ही नहीं रहा था। अब हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। मेरे मन में एक ख्याल आया है, और मेरे पास एक तरकीब भी है। आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कि जरूर आप किसी गलत चीज के बारे में सोच रहे हैं। रात के समय ही घर से उठकर वरुण उस बिजली के पेड़ के पास चला जाता है। ये रहा मेरा खजाना, इस पेड़ ने पूरे गांव को बिजली तो दी ही है, अब मैं इसकी डाल को काट कर शहर ले जाकर बेचूंगा। बरगद के इतने सारे डाल हैं, एक आध कम भी हो जाए तो किसे फर्क पड़ेगा। और वैसे भी वृक्ष देवता ने हमारे गांव के भले के लिए ही तो ये बिजली का पेड़ दिया है। वरुण उस पेड़ की एक डाल को लेकर शहर चला जाता है। ये खरीदोगे भाई साहब? ये क्या चीज लाए हो? ये बिजली की डाल है, इसे छूने से करंट नहीं लगता, और ये बिना चार्ज के सदियों तक जलते रहेगा। तुम्हें खरीदना है तो बताओ, वरना मैं किसी और दुकान पर जाता हूँ। अगर ऐसी बात है तो बताओ कि ये बिजली की डाल कितने में बेचोगे? ये बहुत महंगी है, और शहर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस एक डाल से बिजली का बिल बच जाएगा और कोई खर्चा भी नहीं होगा। इसकी कीमत है 20,000 रुपए।
ठीक है, सौदा मंजूर है, लेकिन इसे तुम और कहीं नहीं बेचोगे। वरुण ने उस दुकानदार को बिजली की एक डाल बेच दी और वो गांव वापस आकर बिजली के पेड़ पर से बहुत सारी डालियां तोड़ने लगा और उसे बेचने लगा। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं आप बिजली के पेड़ का कोई गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम थोड़ा धीरज नहीं रख सकते क्या? ये चीज मैं अपने और हमारे परिवार के भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। जैसी आपकी मर्जी। वरुण की पत्नी को वरुण पर शक हो जाता है और वो अपने पति की रक्षा करने के लिए बद्रीनाथ पंडित के पास चली जाती है। पंडित जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजली के पेड़ का कोई दुरुपयोग कर रहे हैं। वृक्ष देवता की बात का उल्लंघन करने की सजा वरुण को जरूर मिलेगी। बद्री नारायण और वरुण की पत्नी पूरे गांव वालों को बुलाकर उस बिजली के पेड़ के पास चले जाते हैं। बिजली के पेड़ के कई सारे डाल टूटे हुए देखकर सब चौंक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? बिजली के पेड़ पर डाल कैसे कम हो गया? ये असंभव है। मुझे तो सब बराबर ही लग रहा है। ये अभी पता चल जाएगा। बद्री नारायण ने अपने झोले से शंख निकालकर बजाया और तुरंत ही वहाँ पर वृक्ष देवता प्रकट हो गए। ये पुण्य और किसी ने नहीं बल्कि वरुण ने किया है। पुण्य या पाप भगवान, वरुण ने पाप किया है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं वत्स। वरुण इस बिजली के डाल को बेचकर जो भी पैसा कमाता था उससे आश्रम और अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे कपड़े लाकर दिया करता था। इसी वजह से मैंने वरुण को इस नेकी के कार्य में नहीं रोका। मुझे क्षमा करना महाराज, मैंने इस कार्य को सबसे छुपाया क्योंकि मैं जानता था मुझे कोई समझ नहीं पाएगा। माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमारे मन के कपट की वजह से तुम परेशान हो गए। वरुण के इस अच्छे बर्ताव के कारण सबने वरुण की खूब तारीफें की। बद्री नारायण और वरुण का परिवार सुखी सुखी सतना गांव में रहने लगा।